और स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। किडनी से रिलेटेड हर तरह के सवाल का जवाब भी आपने दे दिया, तमाम योगाभ्यास आप बता चुके हैं, और आज चूंकि मदर्स डे है स्वामी जी, तो पाक शास्त्र में आपके पास क्या है खास वो भी बताइए, और मदर्स डे के मौके पर ये भी कहिए कि कम से कम सप्ताह में एक दिन घर का कोई पुरुष खाना बनाए ताकि माँ को थोड़ी राहत मिले, थोड़ा आराम मिले। आप पाक शास्त्र के टेबल तक पहुँचिए। ये बहुत अच्छी बात है सैन, आपने पुरुष खाना ही नहीं बनाए, अब पत्नियों का बर्तन साफ करने में, घर के कपड़े साफ करने में, घर की साफ सफाई करने में उसमें योगदान करें। और जैसे घर में कोई भी बीमार हो जाता तो माँ बहन बेटियाँ सेवा करती हैं, कभी पत्नी बीमार हो जाए तो बोलते हैं अपनी बहन को बुला ले अपनी माँ को बुला ले, घर का काम तो कौन करेगा, तो पत्नियों की सेवा भी कर लिया करें। बिल्कुल अच्छी बात है, और हमारी तरह जो सन्यासी हो सबकी सेवा कर लिया करें, तो बिल्कुल ठीक बात है। और आज जो कुलथ की दाल की जो पकौड़ी वाली बात थी, और घर के काम में मदद करने से पुरुषत्व में कमी भी नहीं आती कोई, ये जो कुलथ की दाल को जो है हमने आज पूरा तैयार कर दिया है, और सरसों का तेल ये तो पतंजलि का सारे जगह में विख्यात है कि जो है कच्ची घाने का सरसों तेल, और इधर से ये तैयार हो गई है कुलथ की पकौड़ी। अब ये जो पकौड़ी खाएंगे, रोज नहीं खाना ये भी कभी ये, लेकिन ये हेल्थ के लिए बेस्ट है। बहुत सारी पकौड़ियाँ देखी होंगी लेकिन आज पहली बार कुलथ की पकौड़ी हम दिखा रहे हैं आपको। और स्वामी जी, जो तेल जिस तेल में मातृ दिवस है तेरे कोई भोग लगा देते हैं, जिस तेल में स्वामी जी फ्राई हो रही है, आप अक्सर कहते हैं कि ये फ्राई वाला तेल जो है इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको क्या करेंगे आप इस तेल का फिर? तो अब ये, अब जैसे इसका ये हो गया तो बार बार इसको लोग क्या करते हैं, दोबारा इसी इसको डब्बे में भर लेते हैं, दोबारा इसी में तलते हैं, तो बस अब इसको छोंक में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसका बघार लगा करके और इसका संस्कार में इस्तेमाल हो जाएगा। अब दोबारा से इसमें पकौड़ी या किसी भी तरह से कोई दूसरा इसमें तलने के लिए कोई चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना। और घर में एक जैसा तेल नहीं, कभी सरसों का, कभी तिल का, कभी नारियल का, कभी मूंगफली का, कभी सोयाबीन का, अलग अलग प्रकार के। और सबसे अच्छा होता है वर्जिन ऑयल, उसके बाद फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर रिफाइंड ऑयल, और उससे भी बेस्ट होता है घी। तो अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से। स्वामी जी, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। और ये पकौड़ी भी आज बहुत खूबसूरत बनी है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। स्वामी जी, कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। आंखों में पीलापन, वजन भी हुआ कम, फैटी लीवर से कितनी बड़ी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस सिरोसिस से लीवर हुआ कमजोर, 7 दिन में योग से कैसे होगा क्योर? स्वामी रामदेव देंगे गोल्डन मंत्र, बिना ट्रांसप्लांट ठीक होगा आपका लीवर। लीवर की हर परेशानी को दूर करने के लिए जरूर देखिए कल का शो सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव के साथ। और स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। ये बोल रही है बहुत अच्छी बनी, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।